को लेते हैं। भारत ने जीता T20 वर्ल्ड कप, फाइनल में साउथ अफ्रीका को भारत ने हराया है और बेहद शानदार ये पूरा मुकाबला रहा। फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया, 7 रन से भारतीय टीम को जीत हासिल हुई है। भारत ने जीता T20 वर्ल्ड कप, फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया और 7 रन से जीत हासिल हुई। पूरे अगर हम ओवरऑल मैच की बात करें और जिस तरह से भारत ने इस मैच को खेला है, जिस तरह से बॉलिंग की है, बैटिंग की है, वाकई ये एक चैंपियन टीम जो हम लगातार कहते रहे हैं, पूरे सीरीज अनबीटन रही है भारतीय टीम। इसके साथ ही फाइनल में भी जीत हासिल हुई है, ये बड़ी खबर। भारत ने G20 वर्ल्ड कप जीता, फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया। मुझे लगता है कि मनोज जी से सबसे पहले, क्योंकि एक एक मैच, एक एक बॉल जो है वो कह सकते हैं कि एक एक जो सबसे रोमांचक मुकाबला रहा है, जैसे भारतीय टीम खेलती हुई नजर आई, आपने एक एक पल जिया है मैच का और मुझे लगता है कि अब सबसे खुशी का पल है। जी हाँ, बिल्कुल, 17 साल के बाद भारत ने ट्रॉफी जीती है, ये अपने आप में काबिले तारीफ है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। आधी रात जो है बिल्कुल दिन के उजाले में बदल गई है और जो जोश था, जोशो खरोश था, वो जिंदा हो गया है जो पिछले हम 6 बार हम देख चुके थे। एक मुझे तो याद है अनन्या जी, आप तो वहाँ पर मौजूद थी अहमदाबाद में, और जब मायूस से भारतीय चेहरे जब मैदान से बाहर लौट रहे थे, जब आप उनसे बात कर रही थी और एक सवाल पूछते हुए, तो आप भी बहुत रुआंसी सी हो गई थी उस वक्त का लम्हा और आज का लम्हा। मैं अब आज आपसे सवाल करता हूँ कि कितना बड़ा जश्न दे गया ये आज का लम्हा और वो लम्हा जो जहाँ पर आप बिल्कुल रुआंसी सी हो गई थी, उन दोनों में कितना बड़ा फर्क। बिल्कुल, मुझे लगता है कि बहुत खुशी का मौका है ये और 7 महीने बाद ही ये ट्रॉफी भारत को मिली है। और मुझे याद है उस वक्त भारतीय टीम जब हार के वक्त अगर हम बात करें 7 महीने पहले, तो जो स्थितियां थी, जब हमारे तमाम जो दर्शक हैं वो बाहर निकल कर आ रहे थे, सभी के चेहरे मायूस थे, लेकिन आज उम्मीद जरूर है कि चेहरे खिले हुए होंगे और खिले होने की एक जो वजह है वो भारतीय टीम ने जरूर दी है। और जिस तरह से नेक टू नेक फाइट, मनोज जी अगर हम देखें पूरे मैच में नेक टू नेक फाइट जो है वो नजर आई साउथ अफ्रीका, आप कह जरूर रहे थे कि बहुत मतलब अगर हम सेमीफाइनल की बात करें तो कमजोर टीम अफगानिस्तान के साथ खेली और इसीलिए इजिली जीत मिल गई, लेकिन नेक टू नेक फाइट जो है वो पूरे मैच में नजर आई। जी हाँ, बिल्कुल उतार चढ़ाव से भरा हुआ मुकाबला है, एक ऐसा मुकाबला जिसमें भारतीय टीम एक समय बिल्कुल पिछड़ गई थी, बैकफुट पर आ गई थी। पारी का 13वां ओवर याद कीजिए, पारी का 14वां ओवर याद कीजिए, इन 2 ओवरों में भारत ने 38 रन जो है गंवा दिए थे। कुलदीप यादव आए थे, आपको याद होगा जब हेनरिक क्लासेन ने उन पर एक चौका और एक छक्का लगाकर उनका स्वागत किया, उस ओवर में जो है उन्होंने अच्छे खासे रन खर्च किए, 14 रन खर्च किए। और उससे अगला ओवर अक्षर पटेल का और भी महंगा साबित हुआ, जहां उन्होंने 24 रन खर्च किए। इस तरह से 2 ओवर में भारत ने 38 रन गंवा दिए, 38 रन खर्च किए, और इसी का नतीजा था कि भारत जो है उस वक्त बैकफुट पर था, रने बॉल का एक टारगेट था, लेकिन वहीं अचानक अवतरित होते हैं हार्दिक पांड्या को लाया जाता है रोहित शर्मा की तरफ से, और वहीं वो जो विकेट चटकाते हैं हार्दिक पांड्या, क्लासेन का पंत के हाथों कैच कराते हैं, स्लोअर वन उनकी इतनी निर्णायक साबित हुई कि वो मैच का टर्निंग पॉइंट बन गया, इसका उन्होंने भी अंदाजा नहीं लगाया होगा। और उसके बाद जो है 17वां ओवर याद कीजिए, जब मार्को जेंसन को आउट किया था एक पेस में एंगल लेते हुए जसप्रीत बुमराह ने, वो काबिले तारीफ था जितना उसकी प्रशंसा की। देश भर से जो जश्न की तस्वीरें आ रही है, एक बार जरा वो भी दिखा देते किस तरह से भारतीयों में उत्साह है। मुझे लगता है बहुत लंबा इंतजार भारतीयों को इस दिन के लिए करना पड़ा, इस ट्रॉफी के लिए, जश्न के लिए करना पड़ा, 17 साल बाद ये मौका मिला। हालांकि 7 महीने पहले मौका मिलते मिलते रह गया, लेकिन अब फाइनल ये मौका मिल गया है भारतीयों को। लेकिन आशीष हमारे साथ बने हुए हैं न्यूज रूम से लाइव, और आशीष मुझे लग रहा है आपके साथ ही है मेन सेंटर ऑफ द पॉइंट, जहां पर सबसे ज्यादा उत्साह है। ओवर टू यू आशीष। देखिए न्यूज रूम में इंडिया की जीत और वर्ल्ड कप उठाने का जोश देख सकते हैं आप, तमाम लोग न्यूज रूम में हैं, तालियां बजा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, इंडिया ने मैच जीत लिया, तस्वीरें यहाँ खुशनुमा है, लेकिन मैदान पर तस्वीरें भावुक कर देने वाली हैं। विराट कोहली रो रहे हैं और रोहित शर्मा रो रहे हैं, हार्दिक पांड्या रो रहे हैं, तमाम लोग रो रहे हैं। कैसे लगी ये जीत, क्या है जीत में, क्या खास है? ये अपने आप में एक अद्भुत है। हम लोगों ने तो एक शर्त लगा ली थी, जब बीच में जो मैच था वो बहुत ही ज्यादा रोमांचक होता जा रहा था कि हमें लग रहा था कहीं ना कहीं हम डर गए थे कि इस बार भी हमारा पिछली बार की तरह दिल ना टूट जाए कि सेमीफाइनल्स तक आकर हमें फाइनल्स में आके हार का मुख ना देखना पड़े। पर बाद में जो टीम इंडिया ने विकेट्स लिए हैं, ओहो, उन्होंने समा बांध दिया और ये
गई है। तो आप देख सकते हैं जोश तमाम लोगों का, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संजीव क्या कहना चाहते हो इस जीत पर? ये एक असंभव जीत थी जिसको इंडिया ने संभव कर दिया है। असंभव को संभव कर दिया है, लेकिन असंभव को सूर्य ने संभव किया है। जिस तरीके से किलर मिलर का जो कैच सूर्य ने पकड़ा वो वाकई में बहुत शानदार था। हमारे साथ रुचि है। रुचि, कैसी लग रही है आपको ये जीत? क्या है इस जीत में खास आपके लिए? सर, ये जीत बहुत कमाल की है, बहुत उम्दा जीत है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि भारत ने हारी हुई बाजी को जीता है, वो बहुत अपने आप में कमाल की है। मतलब जो विराट कोहली ने प्रदर्शन आज उनका बहुत उम्दा प्रदर्शन है। जिस तरह से उन्होंने खेला, जिस तरह से भारतीय ने फील्डिंग करी है, वो सब अपने आप में बहुत कमाल की चीज थी। तो आज ये जीत बिल्कुल भारतीयों के नाम होनी चाहिए, बिल्कुल हमें और आपको इस चीज के लिए। रोहित शर्मा इस वक्त हाथ जोड़ रहे हैं, रो रहे हैं और वो भावुक हो रहे हैं। हार्दिक पांड्या रो रहे हैं, तस्वीरें तमाम हैं, बहुत भावुक करने वाला पल है। और 2011 के बाद ये पहला मौका है, और खास तौर पर मेन बात ये है कि रोहित शर्मा का ये आखिरी वर्ल्ड कप है। 17 साल से जिस ट्रॉफी का इंतजार था, वो ट्रॉफी का इंतजार खत्म हो गया है। और रोहित शर्मा के लिए विराट कोहली के भावुक होने वाला पल है। शानदार परफॉर्मेंस जो है आज विराट कोहली करते हुए नजर आए। साउथ अफ्रीका इस टारगेट को आसानी से अचीव करती हुई दिख रही थी, लेकिन गेंदबाजों को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। शायद ये तस्वीरें यही बता रही हैं। नीतीश हमारे साथ मुंबई से बने हुए। नीतीश, क्या नजारा! रात में ही दिवाली वाला वो एक तरह से कह सकते हैं, सड़कों पर वो तस्वीरें दिख रही हैं जो दिवाली में हम देखते हैं, पटाखे जब लोग फोड़ते हुए दिखते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है आतिशबाजी शुरू हो गई थी। ठीक आखिरी बॉल के बाद जो है आतिशबाजी शुरू हो गई थी, फटाके फोड़े जा रहे थे, लेकिन ठीक उसके कुछ देर बाद जो है यहाँ पर तेज बारिश शुरू हो गई। लेकिन अब इस बारिश से जो है कुछ खासा असर पड़ने वाला है नहीं। अब कहले या बारबाडोस में जो भी है वहां पर भी बारिश हो जाए तो कुछ फर्क जो है वो नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 17 साल के बाद आखिरकार भारत ने जो है किताब अपने नाम कर लिया है। रोहित शर्मा भावुक हो रहे हैं, विराट कोहली भावुक हो रहे हैं, और इतनी बेहतरीन जो करियर उनका रहा है उसमें जो है किताब जो उन्होंने हासिल करने के लिए लगातार मेहनत किया है, कई सेमीफाइनल फाइनल हारे, उसके बाद जो आज उन्होंने किताब हासिल किया है, तो कहीं ना कहीं ये भावुक पल है। क्योंकि मैंने आज दोपहर में भी जब इस मैच को लेकर जो है बात हो रही थी उस समय भी मैंने कहा था कि इंडिया में क्रिकेट सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं है, स्पोर्ट्स से कई बरकर है, जज्बात है, लोगों की इमोशंस है, लोग बहुत भावनात्मक रूप से जो है क्रिकेट को देखते हैं। ऐसे में आज जब ये किताब 17 साल के बाद जीता गया, नीतीश आपके पास आएंगे कोलकाता। देखिए देश भर में दिवाली मनाने का मौका जो है वो भारतीय क्रिकेटर्स ने आज दे दिया है। रैनिक, आपके पास मैं आना चाहूंगी, ओवर टू यू। और साफ तौर पर लोगों के चेहरे खुशी से नजर आ रहे हैं। एकदम ही देखिए, आज का जो रात भारत का नाम, पूरा देश का नाम, और देश भर में ये जो जश्न, ये जश्न चालू हो चुका है, और कोलकाता में भी ये जश्न चालू हो चुका है। लास्ट बॉल में जब ये जो जिस तरीके का बॉलिंग दिखा गया बंगाल में, ये बॉलिंग का जो परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस देखने के बाद ही जो सेलिब्रेशन, वो सेलिब्रेशन चालू हो चुका है। दादा क्या बोलेंगे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा देश जीता है, इंडिया। दादा कैसा लग रहा है आप लोगों को? खूब बोल, खूब बोल, खूब बोल, सेलिब्रेशन का माहौल है, छोटे बच्चे हैं, कैसा लग रहा है तुमको? इंडिया, बराबर इंडिया। कैसा लग रहा है दादा ये जो परफॉर्मेंस था जिस तरीके का परफॉर्मेंस था उसके बाद सेलिब्रेशन का माहौल है। रास्ते में आप देख ही सकते हैं इंडियन फ्लैग को लेकर सब लोग निकल पड़े हैं रास्ते में। एकदम रात हो, जितना भी रात हो, रात का कोई पाबंदी नहीं, मगर आज का सेलिब्रेशन का माहौल है, आज का ये सेलिब्रेशन चलता ही रहेगा। और जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं लोगों, वो ही देखते ही मालूम पड़ता है कि किस तरीके से लोग बाहर है, किस कतार में लोग बाहर है। मैडम कैसा लगा आपको ये पूरा मैच? विराट कोहली का परफॉर्मेंस कैसा लगा? एकदम ही जो सेलिब्रेशन का माहौल है वो सेलिब्रेशन बरकरार है। एक तरफ डांस हो रहा है, दूसरी तरफ रस्ते में सब लोग इंडियन फ्लैग को लेकर जो माहौल, इंडिया का जो फ्लैग, इंडिया का सेलिब्रेशन, वो सेलिब्रेशन जारी है।
उल्लाह खान राजस्थान से जुड़ गए हैं, नीतीश झा मुंबई से हमारे साथ बने हुए हैं, रैनिक दत्ता कोलकाता से हमारे साथ लाइव हैं और दिल्ली से भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। लेकिन एक बार फिर से रैनिक मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, क्योंकि जो तस्वीरें आपके पास से निकल कर सामने आ रही हैं, कितना उत्साह जो है वो लोगों पर नजर आ रहा है और ये जीत लोगों के सर चढ़कर बोल रही है। रात में लगभग 12 बजने वाले हैं लेकिन लोग सड़कों पर आ गए हैं और इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है। एकदम ही देखिए, 7 महीने के पहले का जो अगर बात किया जाए तो इसी दिन में इसी एक फाइनल था जिस फाइनल में जो उम्मीद था लोगों का वो उम्मीद टूट गया था, मगर आज का जो फाइनल वो आज का फाइनल में वो 7 महीने का जो खोफ वो 7 महीने का खोफ अभी निकल रहा है सेलिब्रेशन के माध्यम से। दादा 7 महीने पहले भी एक फाइनल था, आज भी एक फाइनल था, आज का जो ये शाम आज का ये जो रात किसका नाम करेंगे? हम इंडिया का नाम करेंगे यार, कुछ नहीं बोलेगा इंडिया तो इंडिया। कौन सा प्लेयर आज पे आज ये रात के लिए कौन सा प्लेयर का नाम करेंगे, किसके नाम पे ये रात जाए? ऑब्वियसली विराट कोहली, अर्ष पटेल विराट कोहली, अर्ष पटेल ना थकले विराट कोहली, आज के लिए सिर्फ विराट कोहली। देखिए जिस तरीके से विराट कोहली के ऊपर सब लोग उम्मीद बैठा के रखे थे कि पूरा टूर्नामेंट में एक बार फिर से लोगों की जुबान पर विराट कोहली का नाम है और आशीष हमारे साथ बने हुए। आशीष आपको याद होगा 7 महीने पहले ये तस्वीरें जो रोडों से आप सामने निकल कर आ रही हैं, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर दिख रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, वो मिसिंग थी।